मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, मैगजीन और 171 कारतूस के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने बरदा गांव से किया बरामद। गिरफ्तार महिला लंबे समय से कर रही थी हथियार तस्करी। दरअसल मामला है कि मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदा निवासी जमशेर आलम उर्फ सुगो के द्वारा अवैध हथियार की तस्करी की जाती है। वही सूचना के बाद मुंगेर एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में डीआईयू की टीम का गठन कर जमशेर के घर छापेमारी की गई। वही छापेमारी के दौरान पुलिस को जमशेर के घर से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 3 मोबाइल फोन और 171 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वही इस मामले में जमशेर के साथ तस्करी में शामिल उसकी पत्नी बीबी रौनक को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी जमशेर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वही इस मामले में सदर डीएसपी नंदजी प्रसाद ने बताया कि मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियार की बरामदगी हुई है और एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। मुफस्सिल थाना में आरोपी के विरुद्ध कांड संख्या 9/22 दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।